अस्सलाम वालेकुम। म्यूजिक गैलेक्सी के एक और एडिशन में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं तनवीर इकबाल। मारूफ भारतीय मूसीकार ओपी नैयर ने कहा था कि किसी भी गीत के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। गीत की रूह उसके बोल हैं, गीत का जिस्म उसकी धुन होती है और गीत का लिबास गाने वाले की आवाज होती है। आज के म्यूजिक गैलेक्सी में हम गीत के तीसरे हिस्से बकौल ओपी नैयर गीत को लिबास देने वाले के किरदार पर बात करेंगे और जिक्र होगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उस गुलुकारा का जिसका इंडस्ट्री के साथ नाता तो बहुत मुख्तसर है लेकिन अपने बेमिसाल मकबूल और दिल छू लेने वाले गीतों की बदौलत उनका मूसीकी के चाहने वालों से रिश्ता बहुत ही मुस्तहकम और मजबूत है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालिक प्लेबैक सिंगर जुबैदा खानम। जुबैदा खानम जिन्हें कुदरत ने ऐसी खूबसूरत आवाज दी थी जो सुनने वालों के दिलों में उतरती चली जाती, बे इख्तियार सुनने वाले उनकी जानिब खींचे चले आते। सुनने वालों पर रियाजत की मुशक्कत से आजाद उस कुदरती सुर और नगमगी से मालामाल आवाज का इस कदर असर था कि इंडस्ट्री के साथ बहुत कम अरसा रहने के बावजूद जुबैदा खानम के दर्जनों गीत अमर हो गए और आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोलते हैं। ओ, दिल जलाना दिल वाले, आंखें उठा ले, नजर मिला ले, नजर मिला के मुझे अपना बना ले। गुलुकारा जुबैदा खानम ने किसी उस्ताद से बाकायदा गुलुकारी नहीं सीखी और ना ही किसी ऐसे घराने से उनका ताल्लुक था जहां मूसीकी जरिया माश हो। हाँ, उनको गाने से दिलचस्पी जरूर थी और इस दिलचस्पी ने शौक का रूप इसलिए भी धार लिया था कि उनके बड़े भाई जो जुबैदा की तरह गुलुकारी से दिलचस्पी रखते थे किसी उस्ताद से मूसीकी की तालीम लेने लगे और उस्ताद के बताए सबक घर पर जुबैदा खानम को भी बताते रहते। ये मूसीकी की तालीम थी जो जुबैदा ने भाई से ली थी। इस बारे में जुबैदा खानम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, नहीं सीखा नहीं, भाई थे मेरे बड़े, उनको बड़ा शौक था, शौक है, वो सीखा कुछ थोड़ा सा उन्होंने सीखा था, वही मुझे करवाते रहते थे रियाज, थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करते थे हम दोनों भाई बहन मिलके। अपनी इस खुदादाद सलाहियत और कुदरत की तरफ से मिलने वाली निहायत सुरीली और दिल मोह लेने वाली आवाज की बदौलत ही जुबैदा रेडियो पर गाने लगीं, फिर वहां से फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गईं और 50 की दहाई की बहुत ही मकबूल, कामयाब और मसरूफ गुलुकारा बन गईं। फिल्म इंडस्ट्री से उनका रिश्ता गो 10 साल से भी कम रहा लेकिन इस कलील अरसे में भी उन्होंने फिल्म बीनों और मूसीकी के चाहने वालों को ऐसे लाजवाब गीत दिए जो इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी वैसे ही दिलकश, वैसे ही तरोताज़ा और सुनने में वैसे ही भले लगते हैं जैसे उस जमाने में थे। सन 1935 में अमृतसर में पैदा होने वाली जुबैदा खानम तकसीम हिंद पर लाहौर मुंतकिल हुईं। मूसीकी से लगाव उन्हें रेडियो पाकिस्तान लाहौर ले गया।
उस जमाने में किसी भी गुलकार का रेडियो से गाना न सिर्फ एक एजाज होता बल्कि इसे सनत के तौर पर भी पेश किया जाता कि गुलकार में इतनी खूबी है कि रेडियो से मौसीकी के प्रोग्रामों के लिए मुंतखब हुआ। एक बात से मैं काफी हैरान हुआ कि जिस गुलकार की रियाजत ना हो, मौसीकी की सूझबूझ, मौसीकी की तालीम ना हो, पस मंजर ना हो, उसे उस जमाने के रेडियो पाकिस्तान के मौसीकी के प्रोग्रामों के लिए और खास तौर पर सोलो परफॉर्मेंस के लिए मुंतखब करना वाकई बहुत बड़ी बात है। और सबब बस एक ही समझ आता है कि उनमें गुलकारी की समझ थी, आवाज बहुत खूबसूरत थी और बे इंतहा असर अंगेज भी थी। एक रोज रेडियो से जब प्रोग्राम किया तो जो गीत उन्होंने गाया वो उस वक्त के मशहूर अदाकार नज़ीर खान और उनकी बेगम मारूफ अदाकारा सौरन लता के कानों में भी पड़ा। हर सामे की तरह उन दोनों मियां बीवी के कानों में भी जुबैदा की आवाज का रस खुलने लगा। जुबैदा के रेडियो के गाए उस गीत ने दोनों पर ऐसा असर किया कि फौरन जुबैदा खानम की तलाश शुरू कर दी। उन दिनों नज़ीर खान अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे थे, शहरी बाबू। बहरहाल नज़ीर जुबैदा को ढूंढने में कामयाब हो गए और उन्हें अपनी फिल्म शहरी बाबू में गीत गाने की पेशकश कर डाली। रेडियो में प्रोग्राम किया करती थी तो वहां से उन्होंने सुन के नज़ीर सौरन लता साहब, बस बीजी ने मुझे वहां से सुना और बुलाया उन्होंने उधर से, एक लड़की अभी अभी गा के निकली है रेडियो में, उसका एड्रेस वगैरह ले लो और उसको मेरे पास लेके आओ। फिर शहरी बाबू उन दिनों बना रहे थे, वो पहली फिल्म। फिर उन्होंने मुझे सुना, गाना दिया तो अतरे साहब थे डायरेक्टर। जैसा आपने जुबैदा खानम की जबानी सुना कि शहरी बाबू ही उनकी पहली फिल्म थी, और ये तासुर या ख्याल गलत है कि जुबैदा ने सबसे पहले सन 1951 में बनने वाली फिल्म बिल्लो से अपनी फिल्मी गुलकारी का आगाज किया था। शहरी बाबू सन 1953 में रिलीज हुई। बिजनेस के एतबार से ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर नज़ीर जुबैदा की आवाज से इस कदर मुतासिर हुए थे कि फिल्म शहरी बाबू के 10 गीतों में से 8 गीत उन्होंने जुबैदा से गवाए। हालांकि आमतौर पर नए आने वाले गुलकार को फिल्म में एक आध गाना मिलता है, लेकिन जुबैदा ने फिल्म शहरी बाबू के लिए 5 सोलो और 3 ड्यूट्स रिकॉर्ड करवाए। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे रशीद अतरे। फिल्म के नगमात ने बहुत शोहरत पाई। जुबैदा खानम रातों रात सुपरस्टार गुलकारा बन गई। शहरी बाबू के 2 गीत खुसूसियत से सुनने वालों ने पसंद किए और पसंदीदगी का वो आलम आज भी कायम है। गला सुन के माही दे नाल मेरिया, गला सुन के माही दे नाल दुपट्टा बेईमान हो गया, दुपट्टा बेईमान हो गया। रातां मेरी बना के रब्बा मेरिया, हाय रातां मेरिया बना के रब्बा मेरिया। नसीबा वाले सारे डूब गए, ये सदाबहार गीत आगाज था एक बहुत ही मुख्तसर लेकिन बेहद कामयाब प्लेबैक सिंगिंग का। जुबैदा खानम ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बहसियत गुलकारा बहुत कम वक्त गुजारा, लेकिन नगमों की कामयाबी और मकबूलियत को अगर देखें तो वो दीगर गुलकाराओं से बहुत आगे नजर आती हैं। फिल्म शहरी बाबू से ही गीत निगार वारिस लुधियानवी ने भी अपने फिल्मी शायर की हैसियत से सफर का आगाज किया। आपने भी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार सदाबहार गीत दिए। शहरी बाबू मुसिकार रशीद अतरे के फिल्मी कैरियर में भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पाकिस्तान आकर रशीद अतरे को कुछ ज्यादा कामयाबी न मिली थी तो वो दिल बर्दाश्ता होकर रावलपिंडी चले गए और बहसियत म्यूजिक कंपोजर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में मुलाजमत इख्तियार की थी। नज़ीर साहब ने जब अपनी फिल्म शहरी बाबू का इरादा किया तो वो रशीद अतरे साहब से मिले और उन्हें कायल किया कि वो दोबारा इंडस्ट्री की जानिब आए और बहसियत मौसीकार एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। यूं शहरी बाबू ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को 3 फनकार दिए:
वारिस लुधियानवी, रशीद अत्रे और जुबैदा खानम। सन 1953 में फिल्म शहरी बाबू के बेमिसाल कामयाब गीतों के बाद हैरतअंगेज तौर पर सन 1954 का साल जुबैदा खानम के लिए एक खामोश साल था। उस साल उनकी कोई फिल्म, कोई गीत हमें नजर नहीं आता। इस खामोशी की वजह समझ में नहीं आ रही, लेकिन सन 1955 में हमें एक बार फिर जुबैदा खानम मकबूल गानों में ऑन टॉप नजर आती हैं। सन 1955 में कुल मिलाकर 19 फिल्में रिलीज हुई और इनमें से 8 फिल्मों में जुबैदा खानम ने प्लेबैक सिंगिंग की। अगरचे उस साल का सबसे मकबूल और लाजवाब गीत तो इकबाल बानो की आवाज में था, फिल्म कातिल का। याद आ गया होगा आपको, कतिल शिफाई का लिखा गीत, मास्टर इनायत हुसैन की दिलफरेब धुन, मास्टर पीस नगमा, उल्फत की नई मंजिल को चला। लेकिन फिल्म कातिल से ज्यादा अच्छा बिजनेस करने वाली फिल्म थी सन 1955 में पतन। सुपरहिट फिल्म पतन के डायरेक्टर थे लुकमान और इस फिल्म के एक गीत ने बेहद धूम मचाई। इसी तरह सन 1955 में जुबैदा खानम को फिल्मी दुनिया से मुतारिफ करवाने वाले अदाकार और फिल्म साज नजीर की भी एक फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई, हीर। इस फिल्म ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया और फिल्म के चंद गीतों ने सुनने वालों को बेहद मुतासिर किया। ये थी फिल्म पतन के गीत की छलक। फिल्म पतन के मूसीकार थे बाबा जी चिश्ती। सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए बताता चलूंगा कि जुबैदा खानम ने अपने मुख्तसर से फिल्मी कैरियर में जिस मूसीकार की सबसे ज्यादा धुनें गाई वो चिश्ती साहब ही हैं। कोई 125 से ज्यादा गीत हैं जुबैदा खानम और चिश्ती साहब के। और इसके बाद रशीद अत्रे साहब का नंबर आता है जिनकी 70 से जायद धुनें जुबैदा खानम ने गाई हैं। जुबैदा की मकबूलियत रोज बरोज बढ़ रही थी, साथ ही फिल्मों में उनकी मसरूफियत में भी इजाफा हो रहा था। ये वो जमाना था जब फिल्म इंडस्ट्री में नूरजहां भी मौजूद थीं, मुनव्वर सुल्ताना, इकबाल बानो, पुखराज पप्पू, कौसर परवीन और जीनत बेगम। लेकिन जुबैदा खानम को सुनने वालों की खुसूसी पजीराई हासिल थी। सन 1956 में जुबैदा को 17 फिल्मों में गुलुकारी का मौका मिला। इससे पहले जुबैदा के पंजाबी गीत तो काफी मकबूल हो चुके थे, लेकिन अभी उनका गाया कोई उर्दू गीत हिट नहीं हुआ था। अगरचे वो सन 1956 तक 15 उर्दू फिल्मों के लिए गीत भी गा चुकी थीं, लेकिन उनकी छठी उर्दू फिल्म के गीत बहुत मकबूल हुए। ये उनकी कुल मिलाकर 11वीं फिल्म थी। इसी साल बनने वाली फिल्म अनोखी के एक गीत के तो रीमिक्स भी बने और नौजवान गुलुकारों ने भी इस गीत को खूब गाया। सन 1956 के जुबैदा खानम के चंद बेहद यादगार गीतों की छलक पेश कर रहा हूँ। गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, नीचे की सजना दिए तने चुम चुम दिल ललनावा, सजकड़े जावा नीचे की सजना दिए, हर रात
पूछते हैं ये चांद ये सितारे बदलेंगे क्या न तेरी दुनिया के नजारे हर रात पूछते हैं ये चांद ये सितारे ए चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना ए चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना कैसे कहूँ मैं अलविदा जाऊँ कहाँ मैं क्या करूँ आने का वादा करो मिलने की मैं दुआ करूँ सुबैदा खानम के गाए ये चंद बेहद दिलकश और हमेशा जवान गीत सन 1956 में बनने वाली फिल्मों से इंतखाब किए गए थे। आखिरी गीत जो आपने सुना ये सुधीर और मसरत नज़ीर की फिल्म बागी से लिया गया था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर अशफाक मलिक की ये फिल्म दो और फनकारों के लिए भी यादगार फिल्म थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेहद मसरूफ रहने वाले अदाकार जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड भी बनाया सुल्तान राही की यह डेब्यू फिल्म थी। सुल्तान राही से पाकिस्तानी फिल्मों खासतौर पर पंजाबी फिल्मों में एक खास ट्रेंड का आगाज हुआ। इसी तरह फिल्म बागी मुसीकार रहमान वर्मा की भी डेब्यू फिल्म थी। कयाम पाकिस्तान से पहले फिल्मों में मुसीकारों की एक जोड़ी शर्मा जी और वर्मा जी जो कि मारूफ मुसीकार बाबा जी चिश्ती के शागिर्द थे किस्मत आसमाई में मसरूफ थे। तकसीम हिंद के बाद शर्मा जी जिनका असल नाम मोहम्मद जहूर हाशमी था मुंबई चले गए और खयाम के नाम से फिल्मों में मूसीकी देने लगे और बेहद कामयाब भी हुए। और वर्मा जी ने रहमान वर्मा के नाम से पाकिस्तान में रहकर बहसियत मुसीकार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपनी वाबस्तगी जारी रखी। आज के म्यूजिक गैलेक्सी में बात हो रही है बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालिक गुलुकारा जुबैदा खानम की। आज की म्यूजिक गैलेक्सी में बात हो रही है कि किस तरह उन्होंने अपने कामयाब प्लेबैक सिंगिंग के सफर का आगाज सन 1953 में फिल्म शहरी बाबू से किया। अगरचे आगाज उनका बेहद कामयाब था लेकिन वो खुद बताती थीं कि चूंकि उनकी मूसीकी की बुनियाद इतनी मजबूत न थी लिहाजा पहली फिल्म शहरी बाबू के गीत के लिए रशीद अत्रे ने उन्हें 2 माह रिहर्सल करवाई तब कहीं जाकर नगमे रिकॉर्ड हो सके। ये मेहनत ये रियाजत जुबैदा खानम के काम आई और उन्होंने इब्तदाई कामयाबी के बाद लगातार हिट नगमात फिल्म इंडस्ट्री को दिए। फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपने 5वें साल यानी 1957 में अगर उनके नगमात पर एक नज़र डालें तो कोई 19 फिल्में थीं जिनमें जुबैदा के गीत मिलते हैं। इनमें कई बेहद खूबसूरत गीत हैं लेकिन मैं खसूसियत से 2 फिल्मों के गीतों का तस्करा करना चाहूँगा। ये दोनों फिल्में सन 1957 की सुपर हिट फिल्में साबित हुईं और कामयाब फिल्मों में शुमार की जाती हैं। फरवरी सन 1957 में फिल्म रिलीज हुई थी यक्के वाली। लाहौर के कैपिटल सिनेमा में 50 हफ्ते इस फिल्म की नुमाइश जारी रही और कहते हैं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर बारी मलिक को फिल्म से इतनी आमदनी हुई कि उन्होंने लाहौर में एक फिल्म स्टूडियो बना लिया बारी स्टूडियोज। जदीद सहूलतों से लैस इस स्टूडियोज में आने वाले दिनों में बेशुमार फिल्मों की अक्स बंदी हुई। वैसे आज तो ये जगमगाता और मारूफ तरीन फिल्म स्टूडियो किसी खंडर का नक्शा पेश करता है लेकिन उस जमाने में यहाँ क्या चहल पहल होगी। बहरहाल सुधीर और मुसर्रत नज़ीर की फिल्म यक्के वाली का एक गीत बेहद मकबूल हुआ। इस मुतरन्नम गीत की मूसीकी जी चिश्ती ने बनाई और गीत निगार थे अहमद राही। रेशम डाला चालक वे नाले फुला दे सजरा सकवे
ते शमदा ला चालक वे नाले फुलां ते सजरा सकवे जटी चली मुरब्बियां दी सहल नू जटी चली मुरब्बियां दी सहल नू ना पूर के अड़िया तक वे रेशम दा ला चालक वे रेशम दा ला चालक वे नाले बुलां ते सजरा सकवे। ज़ुबैदा खानम ने फिल्मी सनत से अपनी वाबस्तगी के दौरान चंद फिल्मों में बहसियत अदाकारा भी हिस्सा लिया और मुख्तलिफ सपोर्टिंग रोल अदा किए। खुसूसियत से सन 1956 में बनने वाली फिल्म दुल्हा भट्टी और सन 1955 में रिलीज होने वाली फिल्म पाठे खान काबिले जिक्र हैं। तेनु होर मंदिया की कला निजा किते तेरी अख लड़ जाए तू ही सिख नवेरा विच बैना निजा किते तेरी अख लड़ जाए तेनु होर मंदिया की कला अख लड़ जाए। ये फिल्म पाठे खान का मंजर था। इस फिल्म में उस दौर की दो नामवर गुलुकाराएं एक दूसरे के मध्य मुकाबिल अदाकारी करती नजर आ रही थीं, नूरजहां और जुबैदा खानम। पाठे खान मारूफ मूसीकार अख्तर हुसैन अखिया की भी डेब्यू फिल्म थी। जुबैदा खानम ने एम ए रशीद की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म पाठे खान में ज़रीफ़ के साथ, जो कि इस फिल्म में थीम रोल कर रहे थे, साइड हीरोइन का किरदार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अदा किया। हाय मैं मर गई, मेरा कुकुर तो सिर्फ एक ही भूखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पाठे खान तू? कुकुरों को की पता सी पाठे खान साढ़े प्यार ते भी दिन आएंगे। हाँ, मैंनू कुकड़ बनना पाएगा तो तैनू टुकड़ पाना पाएगा। कुकड़ टुकड़ उकड़ दुकड़ तेरे प्राणा बहुता मुकड़ खिला करे निखारता वितत्या प्यार विच प्यास कन पट विच चीरनी पै जांदे ने। ओ नंदी कसाई दी हट्टी होनी है, पट चीरन दा कारोबार नागे वाले दिन करदे होणगे। मेरा वस चले ते तन मैं तख्त ते बा दिया। ओ तेरा भरा ते मेरे मुर्दे लई तख्ता बनवाउंदा फिरदा है, तू होरे की समझी बैठी। सन 1957 में ही एक और शाहकार और बड़ी ही मकबूल फिल्म रिलीज हुई थी, सात लाख। अक्टूबर सन 1957 में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली सबिया और संतोष की इस फिल्म को भी नाजरीन ने बेहद पसंद किया। फिल्म के प्रोड्यूसर मारूफ नकमानिगार सैफुद्दीन सैफ थे। इस फिल्म के गीतों ने तो बेहद धूम मचाई। रशीद अतरे की बेहतरीन धुनों से सजे जुबैदा खानम के गीतों के अलावा सलीम रजा के गाए गीत यारो मुझे माफ करो मैं नशे में हूं और मुनीर हुसैन के गाए नखमे करार लूटने वाले करार को तरसे सुनने वालों में बेहद मकबूल हुए। इस फिल्म में सबिया और नैयर सुल्ताना के अलावा अदाकार नीलो भी शामिल थीं। अगरचे इस फिल्म के बनने से एक साल पहले सन 1956 में हॉलीवुड की फिल्म भवानी जंक्शन में एक मुख्तसर से रोल से नीलो ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज तो कर दिया था, लेकिन उसी साल वो पहली पंजाबी फिल्म करतार सिंह में भी जलवा अफरोज हुई थीं। लेकिन उनको जो बूस्ट मिला और शायकीन की जो तवज्जो हासिल हुई वो फिल्म सात लाख के गीत की मरहून मिन्नत है जो उन पर पिक्चराइज हुआ था। उस गीत की मकबूलियत आज भी उसी तरह कायम है। सात लाख में जुबैदा खानम के दो गीत खास तौर पर बेहद पसंद किए गए। नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा बालमा।
सन 1958 के आते आते पूरे मुल्क में हर तरफ जुबैदा के गाए नगमे गूंज रहे थे। हर शख्स इन नगमों की नगमगी और इन नगमों के सहर में डूबा नजर आता था। अगर हम सन 1958 के मकबूल नगमों का जायजा लें तो हमें अनारकली फिल्म के नगमात नूरजहां की आवाज में मिलते हैं। अभी नूरजहां सिर्फ उन्हीं फिल्मों में नगमे गा रही थीं जिनमें वो खुद बतौर एक्ट्रेस नजर आती थीं। कुल मिलाकर सन 1958 में 33 फिल्में बनी और अगर हम जुबैदा खानम के मकबूल गीतों की जानिब देखें तो सन 1958 में उनके कई नगमे हमें मकबूलियत की इंतहाई हदों को छूते नजर आते हैं। वैसे इन नगमात में बड़ी तादाद पंजाबी फिल्मों के नगमों की है। नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। तयोनी मेरा दिल तड़के, तयोनी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के नल अख पड़के, दिल तड़के नल अख पड़के, तयोनी मेरा दिल तड़के। जुबैदा की आवाज में यह आखिरी गीत जो आपने सुना यह फिल्म शेख चिल्ली से था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे सलीम इकबाल। सलीम हुसैन और इकबाल हुसैन दो भाइयों की यह जोड़ी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कई मकबूल गीतों की खालिक रही। जो गीत आपने अभी सुना, जैसा मैंने आपको बताया कि शेख चिल्ली फिल्म से था, और इत्तेफाक से ये इन दोनों मुसीकार भाइयों की भी डेब्यू फिल्म थी और इनका तरतीब दिया जुबैदा का यह गीत सन 1958 के कामयाब तरीन गीतों में से एक है और ये लिखा भी एक मुसीकार भाई इकबाल हुसैन ने था। सन 1958 में ही जुबैदा का एक और पंजाबी गीत भी बेहद पसंद किया गया और पसंदीदगी का वो आलम आज भी बरकरार है। फिल्म जट्टी का यह खूबसूरत गीत तख्लीक किया था अहमद राही ने और दिल को छू लेने वाले इस गीत के लफ्जों को मौसीकी का रूप दिया था बाबा जी ए चिश्ती ने और उनकी यह धुन सुनने वालों के दिलों में उतर गई। और फिर जुबैदा खानम की सच्ची खरी और नेचुरल आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। फिल्म जट्टी में यह गीत मारूफ फिल्म स्टार मसरत नजीर पर फिल्माया गया था। अपने एक इंटरव्यू में जुबैदा खानम से जब यह सवाल किया गया कि स्क्रीन पर आपको अपने गीत किस अदाकारा पर ज्यादा पसंद आते हैं तो उनका जवाब था कि मसरत नजीर और सबिया खानम। एक अंदाजे के मुताबिक जुबैदा के गाए मसरत नजीर पर 60 से जायद और सबिया पर 50 से जायद गीत फिल्माए गए थे। फिल्म जट्टी सन 1958 में रिलीज हुई और यही पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन अदाकार रंगीला की भी पहली फिल्म थी। फिल्म जट्टी बिजनेस के एतबार से तो एक एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन अपने इस गीत की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। ये गीत जुबैदा खानम को अपने गाए गीतों में सबसे ज्यादा पसंद था। इसी वजह से जब उनसे टीवी इंटरव्यू में अपने किसी गीत को गुनगुनाने की फरमाइश की गई तो उन्होंने इसी गीत का इंतखाब किया। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, वे मैं कुट कुट देनिया गंदा
के चन्ना तेरी याद न भूले वे तेरी याद न भूले मेरे सावा नल आवी जावी मेरे सावा नल आवी जावी वे मेरी पलकां दी लाज निभावी के अखियां चो नीर न डुले वे तेरी याद न भूले। ज़ुबैदा खानम के फिल्मी कैरियर में सन 1959 का साल इस लिहाज से अहम है कि इस साल उन्होंने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए। फिल्मों की तादाद थी 25। सन 1959 के गीतों में से आपकी खिदमत में ज़ुबैदा के गाए चंद गीतों की झलक पेश कर रहा हूँ। जा रे बलम तुझे देख लिया मीठी मीठी बत्तियों से दिया न जला जा रे बलम तुझे देख लिया रोती है छम छम नैन उजड़ गया चैन मैंने देख लिया तेरा प्यार हाय मैंने देख लिया तेरा प्यार। सन 1959 के चंद गीतों की झलक आपने सुनी। ये आखिरी गीत फिल्म 16 आने से था। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे फिरोज निजामी और ये गीत लिखा था कतील शिफाई ने। आपके लिए ये बात भी दिलचस्पी का बायस होगी कि ज़ुबैदा खानम ने जो गीत गाए उनमें कतील शिफाई के लिखे गीतों की तादाद सबसे ज्यादा है। 80 से जायद गीत उन्होंने कतील शिफाई के लिखे गाए, जबकि अगर हम पंजाबी फिल्मों के गीतों को देखें तो अहमद राही के लिखे तकरीबन 70 गीत हैं जो ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में हैं। सन 1960 का साल ज़ुबैदा खानम की ज़िंदगी का अहम तरीन साल है, उनकी ज़िंदगी को यक लख्त बदलने वाला साल। यही वो साल था जब ख्याल किया जाता है कि फिल्म दो उस्ताद के तकमील के दौरान ज़ुबैदा की मुलाकात फिल्म के प्रोड्यूसर और कैमरामैन रियाज बुखारी से होती है और जल्द ही ये मुलाकात शादी में तब्दील हो जाती है। ज़ुबैदा खानम ने अपना कैरियर कुर्बान करने का फैसला किया। अपने कैरियर के उरूज पर थीं जब ज़ुबैदा शादी के बंधन में बंध गईं और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध नगरी को छोड़कर वो पिया देश सिधार गईं। ये बहुत बड़ा फैसला था। अपने सबसे बड़े शौक यानी गाने को उन्होंने शौहर और शौहर के घर वालों की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। ये इतना बड़ा फैसला था कि न सिर्फ उस वक्त बल्कि आज तक हर कोई ज़ुबैदा से यही सवाल करता है कि वो काम यानी गाना गाना जिससे आपको इश्क था आपने कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? बस मैंने खुद ही छोड़ा। बच्चे जो फैमिली में जरा बच्चे बच्चे हो गए तो खुद ही मैं इजी हो गई। बस मियां ने भी नहीं चाहा, मैंने भी नहीं चाहा, दोनों ने मिलके बस ससुराल में बहुत प्यार मिला, इसकी वजह से मैं इजी हो गई। बिल्कुल अपना बच्चों में सारा वक्त और ससुराल में सारा वक्त गुजार दिया बस ऐसे। और यूं फिल्म इंडस्ट्री की इस कमाल की गुलकारा ने अपना घर बसा लिया। इंडस्ट्री को वीरान और अपने लातादाद सुनने वालों को उदास कर दिया। फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से लेकर एक आम फिल्म बीन या रेडियो पर ज़ुबैदा के गाए नगमात सुनने वाला सामे, हर कोई यूं अचानक ज़ुबैदा के फिल्मी दुनिया को छोड़ जाने पर अफसरदा था। लेकिन ज़ुबैदा खानम ने वफा निभाई, पहले गाने से ऐसा गाया कि मौसीकी की बाकायदा तालीम ना होने के बावजूद वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर वन गुलकारा बनी। लाखों सुनने वालों को अपनी आवाज़ का गर्विदा बनाया और फिर उस उरूज को, उस शोहरत को, उस रंगीन दुनिया को यक लख्त छोड़कर वो रियाज बुखारी की नगरी जा बसीं और फिर सारी उम्र पलट कर न देखा। शौहर, चार बच्चों और शौहर के ख़ानदान के साथ सारी उम्र गुजारती। ज़ुबैदा खानम का किरदार दो हवालों से केस स्टडी है। शौहर की ख्वाहिश पर अपने कैरियर
और शानदार कैरियर को यकलख्त ख़त्म कर देना, और दूसरी जानिब एक ऐसे इंसान को जो बेशुमार लोगों के लिए खुशी व मसरत का बाइस बन रहा हो, सिर्फ माशरती एतराज़ात से बचने के लिए मुकय्यद कर लिया जाए। मुझे ज़ाती तौर पर लगा गोया ज़ुबैदा के दिल में खुद को गाने से अलग कर लेने का कुछ ना कुछ दुख मौजूद रहा। कोई कसक, कोई फांस आखिर वक्त तक अपनी जगह रही, जिस इंटरव्यू की झलक अभी आखिर में मैंने आपको सुनवाई थी, कम से कम वो सुनकर मुझे ज़ुबैदा के अंदाज गुफ्तगू से, उनकी टोन से यही कुछ महसूस हुआ। उनकी आंखें कुछ ऐसी ही बातें कर रही थीं। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम। बेवफा नहीं है हम इस मोहब्बत की कसम। क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम।